अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम। आज हम कोकनी तरीके से नारियल पाक बना के बता रहे। इसमें से बड़ा चम्मच एक घी का लेंगे। दो बार घी डालना पड़ेगा, एक बार रवा भुनने के लिए, एक बार खोपरा भुनने के लिए। स्वाद अनुसार नमक लेंगे। एक गिलास पानी लगेगा। एक चम्मच भर इलायची पाउडर है। शक्कर हम एक प्याली लिए हैं। आपको और मीठा चाहिए तो और आधी प्याली ले लो। एक काजू बादाम लेंगे। एक नारियल को हमने पूरा खीस के लिए हैं, एक गीला नारियल को। पाव किलो रवा है। अभी हम बनाने का बता रहे। एक चम्मच भर घी डालेंगे। ये देखो, अभी ये रवा डालेंगे। पाव किलो रवा है। अभी रवे को अच्छे से भुनेंगे। कलर बदली होने तक भुनेंगे अच्छे से। ये देखो, रवा एकदम फर्स्ट क्लास कलर बदली हो गया। भून के एकदम खुशबू अच्छी आ रही है। अभी हम गैस बंद कर रहे और इसको उतार रहे। ये देखो, अभी हम दवा भून के निकाले। अभी नारियल का चौं, उर्दू में बोलते हैं नारियल का गुरादा। अभी ये घी उसमें भी दो चम्मच डाले, एक चम्मच रख के और इसमें भी डाले। अभी ये घी डाले, अभी इसके अंदर ये चौ भून के निकालेंगे। एक नारियल का चौ है। अभी इसका भी अच्छे से कलर बदली करेंगे, अच्छे से भूनेंगे इसको। ये देखो, अभी ये चौ भून के हो गया, मतलब नारियल का गुरादा। कोकनी में इसको चौ बोलते। देखो कलर बदली हो गया। अभी हम इसमें शक्कर डालेंगे। ये देखो, ये शक्कर से कम मीठा हो जाएगा। ये अगर दो प्याली डेढ़ प्याली शक्कर लेंगे ना तो अच्छा मीठा हो जाएगा। हमको कम मीठा लगता है इसलिए हम कम शक्कर डालें, क्योंकि ये एक नारियल का बुरादा, पाव किलो रवा है। अभी हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे। अभी पानी डालेंगे और इसको अच्छे से खूब पकाएंगे, क्यों ये नारियल के चौं का भी पानी छूटेगा और ये भी पानी ऐसा चिपचिपा होना चाहिए, मतलब चाशनी की तरह होना चाहिए। कोकनी में चिपचिपा बोलते हैं ना, कोकनी रेसिपी बना रहे हैं। अभी ये चिपचिपा हो गया ना, फिर आपको बताएंगे। ये देखो, अभी ये चौ हो गया एकदम चिपचिपा फर्स्ट क्लास। अभी इसमें हम ये रवा डालेंगे और ये देखो, और इलायची डालेंगे, काजू बादाम ऊपर से डालेंगे। ऐसा तो काजू बादाम कोकनी लोग नहीं लगाते, लेकिन हम लगाने वाले। अभी इसको मिक्स करेंगे, इलायची पाउडर भी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अभी पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको इतना भुनेंगे कि पूरा गोला होना चाहिए। उसके बाद हम स्टील का प्याला, स्टील का प्लेट या इसका प्लेट लेके उसके अंदर घी लगाएंगे और उसके अंदर डालेंगे और फिर बताएंगे आपको। थोड़ा ठंडा करेंगे फिर उसको काटेंगे। गर्मा गर्म काटेंगे तो नहीं चलेगा, थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर ये करेंगे। देखो, अभी इसको गोला होना चाहिए एकदम अच्छे से। अच्छी खुशबू आ रही है, अपने कोकनी लोग का नारियल पाक है। ये देखो, एकदम फर्स्ट क्लास गोला बन गया। अभी इसको हम थाले में, ये देखो घी लगाए, अभी इसके अंदर हम डाल रहे और प्याली से उसको। अभी देखो, हमने घी लगाया उसको थाले को और आपको बता रहे। अभी ये सब उसके अंदर डालेंगे और उसको पूरा मिक्स करेंगे, चपटा करेंगे और उसके बाद थोड़ा ठंडा हो गया ना पंखे के नीचे, फिर आपको बताएंगे उसको काट के। ये देखो, ये है ना, ऐसा चपटा बर्तन लेंगे और इसको पूरा घुमाएंगे।
अभी झूला पंखे के नीचे ठंडा करेंगे, फिर काट के आपको बता देंगे, डायरेक्ट सब करेंगे आपको बता रहे। काजू बादाम लगाएंगे, काजू बादाम भी है, चारुली भी है, इसमें हमने फ्राई करके रखे है बहुत सारा। कोकनी तरीके से नारियल पर बना के बताओ। तो हमने नारियल पर बनाए और अभी कोकनी तरीके से बता रहे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रेसिपी आपको रोज देखने को मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।